दोस्तों शाहरुख खान की मूवी पठान जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, वहीं दोस्तों उस मूवी के ताबड़तोड़ कलेक्शन देखकर ऐसा माना जा रहा था कि दोस्तों शाहरुख खान की मूवी पठान का अगर कोई मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो वो दोस्तों है शाहरुख खान की मूवी जवान। लेकिन दोस्तों इसी बीच सनी देओल की मूवी गदर पार्ट 2 आती है, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 10 दिनों में ही पठान के रिकॉर्ड को दोस्तों कहीं का नहीं छोड़ती है। तो बात करेंगे दोस्तों गदर 2 मूवी के 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दोस्तों 10 दिनों में इस मूवी कितना कलेक्शन कर लिया इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों चलिए वीडियो को सुन लेते हैं शुरू। दोस्तों गदर 2 मूवी को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था, वहीं दोस्तों इस मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन का समय हो चुका है। बात करें दोस्तों इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था, वहीं दोस्तों इस मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। दोस्तों अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था, वहीं दोस्तों दूसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन की बात करें, तीसरे दिन के कलेक्शन दोस्तों इस मूवी के भारी उछाल देखा गया। तीसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ 70 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों गदर 2 मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात कर लें तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ 63 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 369 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों ऐसा माना जा रहा था ये मूवी दूसरे हफ्ते में अब ज़्यादा कलेक्शन नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद गदर 2 मूवी दूसरे हफ्ते में दोस्तों पहले हफ्ते से ज़्यादा का कलेक्शन कर रही है। दोस्तों इस मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 8वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 20 करोड़ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 9वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों शनिवार को 31 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों आज इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 10वां दिन है। दोस्तों आज ये मूवी जिस तरह दोस्तों रिकॉर्ड पा रही है वो दोस्तों आज इस मूवी के मॉर्निंग से ही सारे के सारे दोस्तों सो हैं वो दोस्तों हाउसफुल नज़र आ रहे हैं। वहीं दोस्तों ये मूवी आज 10वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है अपने 10वें दिन। और दोस्तों पठान मूवी जब गदर 2 मूवी ने 10 दिनों में ही पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के 10 दिनों को टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 380 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 493 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों इस मूवी कल तक दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ की क्लब में भी एंट्री लेगी। वहीं दोस्तों क्या है आपका मानना गदर 2 मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी दोस्तों पठान के रिकॉर्ड से, कि दोस्तों 100 करोड़ रुपये ज़्यादा का कलेक्शन करेगी कि नहीं करेगी दोस्तों कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्या आने वाले समय में जवान मूवी सनी देओल की मूवी गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, क्या सनी देओल ही बनेंगे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।